हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या इंस्टीट्यूट। एक और केस स्टडी करेंगे आज, बेस्ड ऑन सर्कल, क्लास 10th की केस स्टडी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हो, तो स्टार्ट करते हैं। वरुण हैज़ बीन सिलेक्टेड बाय हिज स्कूल टू डिजाइन लोगो फॉर स्पोर्ट्स डे टी शर्ट फॉर स्टूडेंट एंड स्टाफ। द लोगो डिजाइन इज एज गिवन इन द फिगर एंड ही इज वर्किंग ऑन द फॉन्ट एंड डिफरेंट कलर। अकॉर्डिंग टू दैम इस सर्कल विथ सेंटर ओ, एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, इंस्क्राइब इन ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी के अंदर इंस्क्राइब है सच दैट वो उसकी साइड ए बी बी सी और सी ए को डी ई एफ पे टच कर रहा है। फिगर में आप देख सकते हो, और लेंथ ऑफ साइड बी सी सी ए और ये सब दे रखा है। कितना ए बी कितना है 12, बी सी 8 एंड ए सी 10, ये गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये फिगर गिवन है। अब इससे रिलेटेड हमें कुछ क्वेश्चन का आंसर देने। पहला क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ ए डी। सारे क्वेश्चन आंसर देने के लिए हम यहाँ पे एक काम करेंगे, सबसे पहले हम ले लेते हैं सी एफ को एक्स। ठीक है, तो अगर हमारा सी एफ एक्स है तो सी ई भी एक्स होगा, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, इसको हम ले लेते हैं वाई। तो ये वाई है ए एफ और ए डी, वाई हो गया, और बी डी और इसको हम ले लेते हैं जेड। सभी के लिए एक रीजन है टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, बस मैंने इतना ही लिख दिया। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, आप देख सकते हो क्लियरली एसी कितना है 10, मतलब एक्स प्लस वाई 10 हो गया, ए बी 12 है तो वाई प्लस जेड इक्वल टू 12 और ये कितना हो गया एक्स प्लस जेड, तो एक्स प्लस जेड इक्वल टू 8। तो ये आसान तरीका है, हम तीनों को इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करेंगे तो आप देखोगे यहाँ आएगा टू ट्वाइस ऑफ एक्स वाई जेड, सारी टर्म्स दो दो बार हैं, इनको प्लस करेंगे 30, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 15, ये हमारी इक्वेशन बन गई है। तो इससे हमारे सारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ। देखो x प्लस वाई की वैल्यू अगर इस इक्वेशन में डालेंगे तो जेड आ जाएगा, तो जेड की वैल्यू आ गई 5 फ्रॉम सेकेंड एंड फोर्थ। y और z 12 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 और फ्रॉम 3 एंड 4th x प्लस z रखेंगे 8 तो y आ जाएगा हमारा 7। तो इस तरह से हमने x y z की वैल्यू निकाल दी 3 7 5। x कितना है 3, y 7 आ गया और z कितना आ गया 5। ठीक है, तो हम सारे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। पहला पार्ट है लेंथ ए डी, ए डी कितना वाई, तो ए डी की लेंथ कितनी हो गई हमारी 7 सेंटीमीटर। बी ई जेड 5 सेंटीमीटर, सी एफ एक्स 3 सेंटीमीटर। इसके बाद उसने पूछा है रेडियस ऑफ सर्कल 4, अगर रेडियस 4 है तो ए ओ बी का एरिया कितना होगा, तो ये हम ऐसे निकाल सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो फोर्थ पार्ट में हमारा क्या लगेगा आंसर, हाफ ए बी इंटू ओ डी, तो हाफ इंटू ए बी कितना है वाई प्लस जेड, वैसे भी गिवन है ए बी 12 है और रेडियस कितना है 4, तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर।
फिर एरिया एबीसी, एबीसी का एरिया कैसे निकालेंगे वो मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ। तीन पार्ट में डिवाइड हो गया अगर हम ये ज्वाइन करते हैं तो। एरिया एओबी, एओबी का तो हम निकाल चुके हैं इसलिए मैं दोबारा निकाल रहा हूँ, प्लस एरिया एओसी। तो एरिया वो कितना होगा, एओसी का हाफ इंटू 10 इंटू 4 प्लस बीओसी हाफ इंटू 8 इंटू 4। तो ये आ गया 24 प्लस 20 प्लस 16, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ट्राइंगल। हम हीरोन्स फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे लेकिन उसकी यहाँ पे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि हमें रेडियस मिल गया। तो ये क्वेश्चन था, काफी इंपॉर्टेंट है सर्कल चैप्टर का, उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। स्क्रीन पर आपको प्लेलिस्ट नजर आ रही होगी केस स्टडी की, जिसमें ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।